चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग, जिसमें बोला जा रहा है फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ए इक्वेटोरियल ट्राइंगल। ठीक है, और इसका साइड दिया गया है, इक्वेटोरियल ट्राइंगल का साइड 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इक्वेटोरियल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसका सारा साइड क्या होता है, सेम होता है। जैसे ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग वर्टेक्स ए, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी। तो ए, वर्टेक्स ए से बी पे एक परपेंडिकुलर हम लोग को ड्रॉ करना है ऐसे, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, डी दे देंगे। इसका नाम हम लोग क्या दे दे रहे हैं, डी दे दे रहे हैं। ठीक है, और अब ये क्या होगा, जो चीज हम लोग किए उसी को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझा, फिर मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ड्रो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए, ए से ड्रॉ किए हैं, टू द साइड बी, टू द साइड बी। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होगा, अब ये जो ए डी बना है, ये आपका इक्वेटोरियल ट्रायंगल, इस कारणवश क्या होगा, ये जो ए है ना, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ए डी जो है एक मीडियन बन रहा है। ए डी क्या बन जा रहा है, मीडियन बन जा रहा है। तो हम लोग यहां लिखेंगे ए डी इज आल्सो द एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो रहा है ऑफ एंगल ए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, ऑफ साइड बी सी एंड ए मीडियन। ठीक है, और ये एक मीडियन भी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जॉइंट वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ वी सी ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, ये कहाँ बन रहा है, ये आपका मिड पॉइंट में आके मिल रहा है। ठीक है ना, ऑफ बी सी। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होगा, देयरफॉर ए डी, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट थ्री बाय टू इंटू साइड। ठीक है ना, रूट थ्री बाय टू इंटू साइड, मतलब ए डी का अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे। और देखिए, ए डी का लेंथ हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, कि अगर उसी प्रकार से अगर हम लोग बी से भी एक लाइन ड्रॉ करते और यहाँ पे जो पॉइंट बनता, ये पॉइंट कहलाएगा जी, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जी। और जैसा कि हम लोग निकाल रहे हैं सर्कुम रेडियस, तो ए जी का वैल्यू जो अगर हम लोग निकाल दे, ए और जी का वैल्यू, तो इसको कहा जाएगा, ये चीज कहा जाता है सर्कुम रेडियस, ये कहलाता है सर्कुम रेडियस। याद रखिएगा, ए जी को क्या कहेंगे हम लोग, सर्कुम रेडियस। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले ए डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस प्रकार से ए डी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ए डी इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, साइड कितना है, सिक्स है, तो ये मिल जाएगा हम लोग को थ्री रूट थ्री, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा ये ऐसे करके। अब ए डी मिल गया, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ए जी जो है उसे सर्कुम सेंटर कहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए जी इक्वल टू कहलाएगा सर्कुम
सर्कुम रेडियस, ठीक है, क्या कहलाएगा ये, सर्कुम रेडियस। तो सर्कुम रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2/3 इंटू ए इंटू ए डी। अब ये देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे कि अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल ट्रायंगल, बट कभी भी अगर मीडियन बनता है, कोई भी ट्रायंगल का जो मीडियन बनेगा ऐसे 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 करके, ये एक ही मिड पॉइंट से जाएगा, एक ही मिड पॉइंट इसका रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो डिवाइड करता है लाइन को, ये आपका 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मीडियन जो होता है ना, वो आपका 2:1 का रेशियो में पर्टिकुलर लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, तो देखिए 2/3 इंटू जो टोटल लेंथ रहेगा, अगर वो निकाल दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 2 वाला भाग निकल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई 10 है, टोटल लेंथ 10 है, और इसको आपको 10 ने तो 9 नहीं तो हम लोग 9 ले लेते चलिए, है ना, और इसको 2:1 रेशियो में बांटना है, तो इसको कैसे बांटेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लिखेंगे और नीचे में क्या होगा, दोनों का सम 2+3 इंटू 9 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ गया 3, तो एक पार्ट निकल जाएगा 3, और उसी प्रकार से दूसरा पार्ट निकालना रहेगा, तो 1/3 इंटू 9 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए ये पार्ट लेंथ जो है 6 और 3 है, और 6 और 3 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका 2:1 ही आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग AD निकाल रहे हैं, AG निकाल रहे हैं, तो AD क्या है, 2/3 भाग है AD का, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2/3 AD लिखा है, और उसके बाद में 2/3 इंटू AD, तो AD का वैल्यू था 3√3, तो यहाँ पे 3 कट जाएगा और AD क्या मिलेगा हम लोग को, 2√3, जो कि इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा ए, एक काम करते हैं ऐसे लिखते, लेट ए इक्वल टू 5x+3y और एंड बी इक्वल टू 5x-3y, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन इक्वेशन जो था, ये हमारा चेंज हो जाएगा, जैसे कि गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन इक्वेशन हमारे पास है 5x+3y का क्यूब प्लस 5x+3y का स्क्वायर इंटू 5x-3y प्लस 3 5x+3y और फिर 5x-3y का स्क्वायर प्लस 5x-3y का क्यूब। अब हम लोग ए और बी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू इसका, मतलब इसकी जगह में ए और बी अगर पुट कर देंगे तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यू प्लस 3a² b प्लस यहाँ पे क्या मिल जा रहा हम लोग को, 3ab² + bq। अब देखिए ये आपको कोई फॉर्मूला में नज़र नहीं आ रहा, ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला में है। अब जो a का वैल्यू था और b का वैल्यू था वो दोबारा इसमें पुट कर दीजिए। a का वैल्यू हम लोग लिए थे 5x+3y और b का वैल्यू था 5x-3y और इसका क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए माइनस प्लस में है
थ्री वाई, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फाइव प्लस फाइव हो जाएगा टेन एक्स, और उसके बाद इसका क्यू, तो टेन का क्यू कितना मिलेगा हम लोग को, टेन का क्यू होता है 1000 और एक्स का क्यू एक्स क्यू, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।